प्रदेश की जयराम सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि वह किसान बागवानों के लिए सब्जी मंडी का बेहतर निर्माण कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए वहां पर ही विकास कर रहे हैं। सोलन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि इन दिनों से सेब सीजन उफान पर है, लेकिन सब्जी मंडी सोलन की खस्ता हालत से किसान बागवान परेशान दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल अपने निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले परमाणु मंडी को सफल करने के लिए सोलन मंडी में विकास नहीं करना चाह रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज तक भाजपा सरकार किसानों की मांग, जो कि टमाटर व अन्य फसलों पर समर्थन मूल्य देने की है, उस पर विचार नहीं कर पाई है। मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो किसानों और बागवानों इनकी समस्याओं की ओर, ऐसे तो प्रदेश में किसी भी समस्याओं का निदान नहीं करना चाहते, लेकिन जो बेसिक जो हमारी फाउंडेशन है किसान और बागवान उनके ओर तो ध्यान देना चाहिए, उनके ओर बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाह रहे और जानबूझकर इस तरह की स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं, क्योंकि समझते हैं किसान और बागवान जो हैं, जो इस प्रदेश का अन्नदाता है, उनकी अनदेखी करके क्या रिजल्ट होंगे इनको समझना चाहिए। जिस तरह से सोलन की बात मैं करूँगा, सोलन जिला में हमारी जो मुख्य क्रॉप है वो टमाटर शिमला मिर्च है। हमारे टमाटर के लिए अब आज तक कभी समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की गई। बड़ी बात करते हैं बीमा, बड़े बड़े होल्डिंग लगा रखे हैं फसल बीमा, उसमें टमाटर का फसल बीमा क्यों नहीं होता? हमारे किसानों के साथ, सोलन के किसानों के साथ और बागवानों के साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया जा रहा है? सब्जी मंडी आज इतनी बुरी दशा में है, जब टमाटर चल रहा है, हमारे बागवान भाइयों का सेब आ रहा है, तो मंडी की ये हल कर दी गई कि आज मंडी में चलना मुश्किल हो गया, माल बेचना तो दूर की बात है। जब मुख्यमंत्री जी बने थे, आए थे 2018 में, तो उन्होंने यहाँ एक्सटेंशन जो इसकी एक्सटेंशन करने के लिए मंडी की जो है वो उसकी फाउंडेशन रखी थी, और 4 साल इनको याद नहीं आया और अब बरसात में काम इनको याद आया। बुरी हालत में आज मंडी की स्थिति है, इतनी बुरी हालत है कि वहाँ चलना फिर भी मुश्किल हो रहा है। ये चाहते हैं कि परमाणु मंडी में सारा माल पहुँचे। यहाँ से जो जिला से संबंधित मंत्री हैं उनकी मंशा है, उस मंशा के तहत वो काम कर रहे हैं कि मंडी जो है परमाणु की मंडी को कामयाब किया जाए, सोलन की मंडी को अनदेखा किया जाए। ये सोलन के किसानों के साथ और सोलन निर्वाचन क्षेत्र के साथ पूर्ण रूप से अन्याय हो रहा है। प्रदेश की जयराम सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि वह किसान बागवानों के लिए सब्जी मंडी का बेहतर निर्माण कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए वहां पर ही विकास कर रहे हैं। सोलन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि इन दिनों से सेब सीजन उफान पर है, लेकिन सब्जी मंडी सोलन की खस्ता हालत से किसान बागवान परेशान दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल अपने निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले परमाणु मंडी को सफल करने के लिए सोलन मंडी में विकास नहीं करना चाह रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज तक भाजपा सरकार किसानों की मांग, जो कि टमाटर व अन्य फसलों पर समर्थन मूल्य देने की है, उस पर विचार नहीं कर पाई है। मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो किसानों और बागवानों इनकी समस्याओं की ओर, ऐसे तो प्रदेश में किसी भी समस्याओं का निदान नहीं करना चाहते, लेकिन जो बेसिक जो हमारी फाउंडेशन है किसान और बागवान उनके ओर तो ध्यान देना चाहिए, उनके ओर बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाह रहे और जानबूझकर इस तरह की स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं, क्योंकि समझते हैं किसान और बागवान जो हैं, जो इस प्रदेश का अन्नदाता है, उनकी अनदेखी करके क्या रिजल्ट होंगे इनको समझना चाहिए। जिस तरह से सोलन की बात मैं करूँगा, सोलन जिला में हमारी जो मुख्य क्रॉप है वो टमाटर शिमला मिर्च है। हमारे टमाटर के लिए अब आज तक कभी समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की गई। बड़ी बात करते हैं बीमा, बड़े बड़े होल्डिंग लगा रखे हैं फसल बीमा, उसमें टमाटर का फसल बीमा क्यों नहीं होता? हमारे किसानों के साथ, सोलन के किसानों के साथ और बागवानों के साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया जा रहा है? सब्जी मंडी आज इतनी बुरी दशा में है, जब टमाटर चल रहा है, हमारे बागवान भाइयों का सेब आ रहा है, तो मंडी की ये हल कर दी गई कि आज मंडी में चलना मुश्किल हो गया, माल बेचना तो दूर की बात है। जब मुख्यमंत्री जी बने थे, आए थे 2018 में, तो उन्होंने यहाँ एक्सटेंशन जो इसकी एक्सटेंशन करने के लिए मंडी की जो है वो उसकी फाउंडेशन रखी थी, और 4 साल इनको याद नहीं आया और अब बरसात में काम इनको याद आया। बुरी हालत में आज मंडी की स्थिति है, इतनी बुरी हालत है कि वहाँ चलना फिर भी मुश्किल हो रहा है।
ये चाहते हैं कि परमाणु मंडी में सारा माल पहुंचे। यहाँ से जो जिला से संबंधित मंत्री हैं उनकी मंशा है, उस मंशा के वो काम कर रहे हैं कि मंडी जो है परमाणु की मंडी को कामयाब किया जाए, सोलन की मंडी को अनदेखा किया जाए। ये सोलन के किसानों के साथ और सोलन निर्वाचन क्षेत्र के साथ पूर्ण रूप से अन्याय हो रहा है।